हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायमेटिक क्लासेस। मैं भाई का सबका डायमेटिक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आपने जानना था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन की ओर। तो अब आपके आते हैं कि सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो आपको क्या करना है कि ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे। आपके क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है। और इनके साथ ही हम इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी देख रहे हैं एंड फाइंड। फर्स्ट आएगा नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स जो है उनका नेचर कैसा है। और सेकंड टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आपको दी होगी 2x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू जीरो, लेट लाई ऑन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक। तो क्वेश्चन देखिए, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले फिर आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू जीरो। सेकेंड गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इनको सॉल्व करते हैं हम। फिर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आप गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एस। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया, 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू जीरो। अब 11 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। नेगेटिव था, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसमें प्लस 10 है, इधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये आपकी दोनों इक्वेशन हो गई। आप नेम दे सकते हैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, इनके सॉल्यूशंस निकाले, कोऑर्डिनेट्स निकाले। तो देखो, ऑब्टेन पॉइंट टेबल हम निकालेंगे इसकी, ऑब्टेन पॉइंट टेबल फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम x और y की अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करेंगे, किसी एक की पुट करेंगे और दूसरी फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम डालते हैं एट y इक्वल टू 1, y की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं। तो देखो 3x प्लस 2y, इसके अंदर y इक्वल टू 1 पुट करने पर क्या मिलता है हमको, x तो x से लिखेंगे प्लस 2, और y की जगह 1 पुट करना है 1 लिख दिया इक्वल टू 11। अब आगे देखिए, ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 इक्वल टू 11 हो गया, और 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये कितना हो गया, 3x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, 11 माइनस 2 9, 3x इक्वल टू कितना हो गया 9। तो यहां से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 9 बाय 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x आपकी वैल्यू आ गई 3 आ गई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं, एक कोऑर्डिनेट आगे एक और पॉइंट चाहिए, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 1। अब एक्स को 1 ले लेते हैं, तो देखिए एक्स की जगह 1 पुट करेंगे प्लस 2 वाई इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3 प्लस 2 वाई इक्वल्स 11, ओके स्टूडेंट्स। अब आपको क्या मिलेगा, देखो 3 है, इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 11 माइनस 3 कितना होगा 8, तो 2y इक्वल टू आ गया आपके 8। 3 को हमने इधर शिफ्ट किया, माइनस 3,
11 माइनस 3 8 हो जाएगा। तो यहां से देखो स्टूडेंट्स आपको y, अब क्या होगा देखो 2 यहाँ 8 में डिवाइड होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/2 कितना हो गया 4, तो y की वैल्यू आ गई आपको 4। तो जब x y इक्वल टू 1 था तब x की वैल्यू है 3 और जब x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू है 4। तो स्टूडेंट्स इन वैल्यू को हम नोट कर लेंगे कि x और y के टर्म्स में देखिए तो क्या है y जब 1 था x आया आपका 3 और जब x 1 है तो y इक्वल टू 4 आया। ये हो गया आपके इक्वेशन 1 के सॉल्यूशंस हो गए या पॉइंट टेबल कह सकते हैं पॉइंट्स हो गए ठीक है कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं इनको। तो इस तरह से हमने इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए अपनी मर्जी से x और y की वैल्यूज पुट की और x की पुट की y निकाली y पुट करके x के निकाले वैसे करके दो कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स वैसे ही हम सेकेंड जो इक्वेशन है उसके भी पॉइंट्स निकालेंगे तो लिखेंगे ऑब्टेन पॉइंट टेबल फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से पॉइंट टेबल बनाएंगे ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करते देखिए स्टूडेंट्स एट एक्स इक्वल टू हम वाई इक्वल टू जीरो लेते हैं यहां पे चलो एट वाई इक्वल टू जीरो ठीक है। देखिए वाई इक्वल टू जीरो इसमें पुट करते हैं 2x-3y जीरो पुट करते हैं इक्वल टू -10 तो ये कितना होगा 2x और ये वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी जीरो तो 2x इक्वल टू कितना हो गया -10। तो यहां से देखो स्टूडेंट्स आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी x हो गया -10/2 इक्वल टू माइनस का 5 मिल गया आपको ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे ही अब आप किसकी वैल्यू पुट करेंगे आप y की भी दो वैल्यू पुट कर सकते हैं तो वैसे हम इस बार y की पुट कर रहे हैं y इक्वल टू 2 ले लिया हमने जैसे कि तो देखिए स्टूडेंट्स फिर क्या होगा 2x-3 y की जगह 2 पुट करेंगे इक्वल टू -10 अब कितना होगा 2x 3 to the 6 तो -6 इक्वल टू -10 होगा तो 2x अब देखो -6 है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +6 तो -10 + 6 कितना हो गया माइनस का 4 तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/2 तो x की वैल्यू होगी आपकी माइनस का 2। तो देखो इसमें स्टूडेंट्स हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो x आपको मिला माइनस का 5 और y इक्वल टू 2 पुट किया तो x आपको मिला माइनस का 2 तो इन कोऑर्डिनेट्स को भी आपको नोट डाउन कर लेना है इस तरह से ठीक क्या है y 0 x आपको मिला -5 y 2 x की वैल्यू भी -2 तो इसको भी हमने साइड में नोट डाउन कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमको क्या करना है इस इनको यूज करके ग्राफ पेपर पर इनकी जो लाइन है उनको ड्रॉ करनी है तो इसको मैं देखो आपको इस पे बताऊंगा कि ग्राफ पेपर पर कैसे शो करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इनके पॉइंट टेबल बनाना आ गया होगा कैसे इनके पॉइंट्स हम बनाएंगे ठीक है। देखो स्टूडेंट्स आपने ग्राफ पेपर देखा होगा उसको हम पहले से इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आपको पता है ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस एक्स ओ ओरिजिन और एक्स डैश वाई ओ और वाई डैश यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएंगे स्टूडेंट्स पॉजिटिव वैल्यू तो 1, 2, 3 and 4 ठीक है। यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3 and 4 यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू -1, -2, -3, -4 यहाँ पे क्या आएंगी y की नेगेटिव वैल्यू तो -1, -2, -3 and -4 ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से हम कोऑर्डिनेट लेंगे और इनके पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जब x 3 है y 1 तो x 3 y 1 ये कोई पॉइंट कहां पे आएगा इधर आएगा तो इसको नेम दे देते हम p कितना 3,1 ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड क्या है x 1 y 4 x जब 1 है तो y 4 है तो ये पॉइंट कहां इधर आएगा लगभग तो इसको हम नेम दे देते हैं q
क्यों दिया, ये कितना है 1.4। ये 1.4 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये एक एक ही लाइन के है तो इनको हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, और ये भी अगर लाइन आगे एक्सटेंड करते हैं इधर तो ये यहाँ पे ऊपर कट करेगा, यहाँ 5 आएगा, फिर इधर 6 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी लाइन, ये जो लाइन है वो कौन सी, फर्स्ट वाली लाइन है, क्या थी वो लाइन, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी वो है, तो 3x + 2y = 11, तो ऐसे इसको डिनोट कर देना। अब देखिए सेकंड पॉइंट देखिए कितना है, y 0 x -5, तो y तो 0 और x कितना है -5 है, तो इसको -5, तो ये वैल्यू कहां पे, यहां पे होगी, इसको नेम देते हैं a, तो y तो -5, 0, ये पॉइंट तो इधर हो गया, और जब x -2 है y भी y 2 होगा, तो x -2 y 2, तो ये वाली आपको वैल्यू मिलेगी लगभग यहाँ पे, कितनी है -2, 2, इसको दे देते नेम बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेंगे हम, इस तरह से। ये वाली कौन सी इक्वेशन है आपकी, ये वाली है आपकी 2x - 3y = -10। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स दोनों ही इक्वेशंस को ग्राफिकली ग्राफ पेपर पर डिनोट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इनके पॉइंट्स निकाल के यूं इनको डिनोट कर लेंगे। फिर इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये इनका सॉल्यूशन होगा, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि देखो ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्ट करके आपको यहाँ पता चल रहा है इनके रूट्स कैसे होंगे, एक तो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो रियल है, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। एक तो नेचर ऑफ रूट्स हमने पता कर लिया, इससे कंसिस्टेंट भी होंगी लाइन्स, ये भी पता हो जाएगा इससे। और फिर इसको हम अगर ग्राफ पेपर पर सही से डिनोट करते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको यूं करेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक्चुअल में आपको लाई करेगा 1, ये वाला जो पॉइंट है आपके वो क्या देगा, इसके इन दोनों लाइंस के इनके सॉल्यूशन देगा आपको, कि इनका जो सॉल्यूशन है वो कहां पे है। तो इस तरह से आप इनके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये लगभग आपको 1.4 के आसपास ही ये मीट करेगा। आप ग्राम और रियल ग्राफ पेपर पे इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करके आप चेक कर लेना, ये जो भी मिलेगा जहां पे भी ये जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, ये क्या होंगे, इन लाइंस का सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से आप ये इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें बस लास्ट में एक और लाइन लिखनी है आपको, कि ये कर लिया, फिर हम लिखेंगे फ्रॉम टेबल रिप्रेजेंटेशन इट इज क्लियर दैट देयर आर टू लाइंस, intersect each other at 1.4. So x = कितना हो गया 1 और y = कितना 4 is required solution of गिवन इक्वेशन। तो जो इक्वेशन है लीनियर पेयर दी है उसका गिवन इक्वेशन, उनका सॉल्यूशन क्या है, इनका जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो इसका इंटरसेक्ट वो होगा सॉल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। फिर आपने एक और टाइप लिखा था कि देखो
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द इक्वेशन व्हेन, ये जो लाइन है वो कहां लाई कर रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे अगर वो लाइन लाई कर रही है स्टूडेंट्स, समझिएगा कि ये जो लाइन है वो कहां पे लाई कर रही है, इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन पे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स वो क्या करेंगे, इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन के कितने मिल रहे, x इक्वल टू वन और y इक्वल टू फोर। आपके पास क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम दोनों, ये दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, प्लस k इक्वल टू जीरो, ये कितना हो रहा है 2, और ये फोर्थ रिजल्ट 12, प्लस k इक्वल टू जीरो कितना होगा, प्लस 14 इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 14। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि k इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 14। इस तरह से आप ऐसे किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें क्या हो गया कि ये जो लाइन है लिखा है यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन है कि लाइन ऑन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो उनकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो आपको k की कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डायमीटर क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।